Hi guys, welcome back to our channel. So I am back with a Meesho haul again. मैं मीशो से शॉपिंग करना बंद कर नहीं पा रही हूँ. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ क्लोथ्स दिस टाइम, मेनली क्लोथ्स. दो वीडियोज में पहले मीशो हॉल की डाल चुकी हूँ. इफ यू हैवंट चेक्ड इट, गो चेक इट आउट ऑन आवर चैनल. आई पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ड्रेस मैंने एक ही ऑर्डर करी है, सो वी विल स्टार्ट विद दैट. लाइक सच ड्रेसेस, सिंपल, नाइस, एंड यू नो यू कैन ब्रीद इन सच ड्रेसेस. इट्स अ वेरी बेसिक ड्रेस जो मैंने पहले काफ़ी देखी भी हुई है ऑनलाइन, बट वेरी नाइस एंड क्यूट. नेक्स्ट मैंने इस बार काफ़ी सारे ट्राउजर्स और लोअर वगैरह ऑर्डर किया था, काफ़ी सारे ने तीन. सो लेट्स सी दोज. फर्स्ट इज दिस वन, आई लव्ड इट बाय द वे. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. आई रोली रोली लाइक द फिट ऑफ दिस पैंट्स. तो इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी बेसिक कलर. थोड़ा सा लेंथ शॉर्ट है, एंकल तक है, लेकिन आई डोंट माइंड दैट. मेरे को जैसे कम्फी पैंट्स चाहिए थे, उस हिसाब से इट्स टू गुड. सो नेक्स्ट इज दिस कम्फी जॉगर्स पैंट्स. पॉकेट्स भी अच्छी हैं, कलर भी अच्छा है, बस फैब्रिक से आई हैव अ लिटिल कंप्लेंट. इट्स नॉट वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक, थोड़ा ऐसे कॉमेंट्स में पढ़ रही थी, लोगों ने लिखा था सी थ्रू भी है थोड़ा एंड ऑल. मुझे सी थ्रू तो एज सच ऑनेस्टली नहीं लगा, बट थोड़ा ब्रीदेबल वाला प्रॉब्लम है. देखने में तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन वही बात है कि फैब्रिक बिल्कुल भी ब्रीदेबल नहीं था. विंटर्स में शायद फिर चल जाए, समर्स में तो बिग नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट ट्राउजर्स, दिस ब्लैक पैंट्स. ब्लैक पैंट्स मुझे लगता है जितनी भी हो कमी होती हैं, तो इसलिए एक और ऑर्डर कर दी मैंने. बहुत अमेजिंग फिट तो नहीं कहूँगी मैं इस पैंट को, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम था कैमल टो वगैरह का. नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया ये शॉर्ट. दो शॉर्ट्स ऑर्डर करी हैं ये मैंने, पिंक एंड वाइट दोनों कलर्स में. एक्चुअली मैंने देखकर तो ओवर साइज ऑर्डर किया था, मुझे लगा था ओवर साइज शॉर्ट्स मेरे को बहुत पसंद है, ऊपर से पहनना कुछ भी. बट ये ओवर साइज तो खैर नहीं है, थोड़ी सी ढीली है, लंबी मतलब उतनी नहीं है. सो आई डोंट नो अगर वैसे पहन पाऊंगी, बट आई एम स्टिल कीपिंग दैम क्योंकि दे नाइस एंड आई कैन वेयर देम टू ऑफिस ऑल्सो. सो दिस इज़ हाउ द शर्ट लुक्स. ज़्यादा लंबी नहीं है ओवर साइज के हिसाब से, बस थोड़ी थोड़ी ढीली है, तो बट वो कम्फर्टेबल ढीला बोलूँगी मैं. एंड पिंक वाले का कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, तो मुझे अच्छी लग रही है. ऊपर अगर पहना जाए किसी बेसिक कलर की तो इट लुक गुड. नेक्स्ट आई गॉट आर दीज इयररिंग्स. बहुत ही मुझे सही लगा ये सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 इयररिंग्स थे. इसमें अभी एक कम है क्योंकि मैंने पहना हुआ है वो. वेयरिंग इट आई डू वेयर दीज अ लॉट. मैं थोड़े से बड़े साइज पहनती हूँ वैसे, बट ये थोड़ा छोटा है, बट ठीक है. एंड लास्ट आई गॉट दिस टी शर्ट. ये आज ही डिलीवर हुआ है, सो अभी मैंने ट्राई नहीं किया था, आई विल ट्राई इट. ये टी शर्ट है, इसका फैब्रिक इज़ वेरी गुड, कॉटन अच्छा है. मेरे को अभी छूने में देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी पहन के पता चलेगा. और ये ओवरसाइज्ड है एक्चुअली, आई होप फिटिंग भी वैसी आए. आई थिंक आई कैन ईजिली से दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द लॉट, माई फेवरेट. कम्फर्टेबल है, फैब्रिक इज ऑल्सो गुड, एंड फाइनली कोई कपड़ा जो मैंने ओवरसाइज मंगाया था वो ओवरसाइज आया है. सो दैट्स ऑल फॉर माई मीशो हॉल दिस टाइम. बट डू लेट मी नो आप लोग को ये सब कपड़े कैसे लगे, एंड इफ यू हैव सम गुड मीशो फाइंड्स प्लीज डू रिकमेंड. मैं काफ़ी शॉपिंग करती हूँ मीशो से. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.